हिमाचल के ज्वाली में नशा माफिया खनन माफिया के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। आपको बता दें कि SHO ज्वाली प्रशांत सिंह ठाकुर ने थाने में कार्यभार संभालते ही पत्रकारों के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। SHO ज्वाली प्रशांत सिंह ठाकुर ने कहा कि ज्वाली में नशा माफिया खनन माफिया के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। यातायात नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा और हर व्यक्तियों को त्वरित न्याय प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि थाना में पेंडिंग पड़े कार्यों को निपटाया जाएगा। जनता से अपील की है कि इलाके में अगर नशा माफिया असामाजिक तत्वों के बारे में कोई जानकारी हो तो इसकी सूचना थाना ज्वाली में लैंडलाइन नंबर या फिर मोबाइल नंबर पर दें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। से मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो नंबर मैंने आपको दिया, मेरा राजकीय नंबर है मेरा, जो भी व्यक्ति हमें सूचना देगा उसका नाम और पता बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो पहचान है, नाम है, इसको कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जरिए आप लोगों के माध्यम से कि नशे के विरुद्ध उनके पास कोई भी सूचना भी उपलब्ध है तो वो स्थानीय पुलिस के साथ शेयर करें। मेरा जो राजकीय नंबर है, 24 घंटे सातों दिन आप बेहिचक मुझे कॉल कर सकते हैं, 7807-35802। सर दोबारा कर देंगे, 7807-35802। मैं चाहूँगा कि आपके पास कोई भी जानकारी नशे के विरुद्ध हो, माइनिंग के विरुद्ध हो, या ट्रैफिक अव्यवस्था को लेकर हो, या आपकी कोई और शिकायत हो जिसमें आपको लगता है कि पुलिस आपका शिकायत है उनका निपटारा कर सकती है, तो बेहिचक आप किसी भी समय मुझे मेरे राजकीय नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, हम अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का निपटारा हो सके। इसके अलावा जो युवा वर्ग है उनसे भी अपील करूँगा कि वो बढ़ चढ़ कर सूचनाओं का आदान प्रदान हमारे साथ करें। और हमने थाना ज्वाली का एक फेसबुक पेज बनाया है, फेसबुक अकाउंट भी हमने 2 दिन पहले बनाया है, तो उसमें भी वो क्रियाशील हों और जो हमारे हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ें और सूचनाओं का आदान प्रदान करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।